67वीं कंबाइंड प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे हम लोग बिहार प्रशासनिक सेवा सहित बहुत सारी सेवाओं के लिए नियुक्ति हेतु परीक्षा लेते हैं, उसमें अभी तक 503 पद की अधियाचना हमारे पास आ चुकी है आयोग में, जिसका विवरण इस प्रकार है। सहायक निदेशक बाल संरक्षण में 4 पद, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा 12 पद आया है इसमें, बिहार शिक्षा सेवा में 12 पद हैं, सहायक निदेशक या सहायक योजना पदाधिकारी में 52 पद आए हैं, रिक्ति आई हैं, नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग से 2 पद है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग से 133 पद है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी का 110 पद है, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का 5 पद है, निर्वाचन पदाधिकारी का 4 पद है, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी 18 पद है इसका, श्रम अधीक्षक का 2 पद, आपूर्ति निरीक्षक का 4 पद, बिहार प्रशासनिक सेवा का 88 पद है, 88 पद है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से राजस्व अधिकारी का 36 पद है, कमर्शियल टैक्सेस से राज्य कर सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर का 21 पद है। इस प्रकार कुल 503 पद अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं। इनके विरुद्ध हम 20 तारीख तक ये विज्ञापन प्रकाशित करेंगे, जिसमें ये उल्लिखित रहेगा कि फॉर्म भरने के पहले, अंतिम तिथि के पहले या फिर परीक्षा के पहले जो भी अगर और रिक्तियां आ जाएंगी तो इसमें शामिल किया जा सकता है, मतलब रिक्तियों की संख्या बढ़ घट सकती है, ऐसा विज्ञापन में उल्लेख हो सकता है। और परीक्षा नियत समय पे 12 दिसंबर को निर्धारित है। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम समय पर परीक्षा लें और समय पर इसका रिजल्ट भी पब्लिश करें। परीक्षा में तो ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, करीब 35 जिलों में हमारा केंद्र रहता है, 5 लाख 6 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं इसमें, तो इसमें आगे क्या, हम लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं, जो भी मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम है उसमें आयरिस की व्यवस्था और जैमर के लिए भी शुरुआत इस महीने में 2-3 एग्ज़ाम है उसमें हम लोग रखेंगे इसको। अब इसमें इस इतने बड़े एग्ज़ाम में क्या व्यवस्था हो पाएगी इसके संबंध में आगे हम लोग संसूचित कर देंगे, अगर इस तरह की कोई इसमें भी व्यवस्था होगी तो हम लोग आगे संसूचित करेंगे, लेकिन है कि काफ़ी कड़ाई से एग्ज़ाम इसको कराया जाएगा और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होगा।